लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोग गए थे उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट। वापसी आते आते शाम हो गई थी, अब हो गया था डिनर टाइम। हमारे होटल के बिल्कुल पास ही एक रेस्टोरेंट था, छप्पन भोग नाम से, और मैं सच बताऊँ इतनी अच्छी क्वालिटी थी, इतना अच्छा टेस्ट था यहाँ के खाने का। अगर आप लोग भी उदयपुर आ रहे हैं और सुखाड़िया चौक या फिर सहेली की बाड़ी के आसपास रुक रहे हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। राजस्थान ट्रिप का हमारा ये छठा या सातवां दिन था और ऑनेस्टली बताऊँ आपको, अब तक का हमारा सबसे टेस्टी मील था ये। हवा में है, तुमने देखा हुआ है, छोटे छोटे थे तुम, देखा नहीं है कुछ भी थोड़ा सा। ये आर्किटेक्चर है ये वाला, ये जैसे झरोखे, खिड़की झरोखे, ये यहाँ का आर्किटेक्चर है इस साइड राजस्थान का। तो ऐसा नहीं कि हवा महल जैसा है, कुछ नहीं, वो आर्किटेक्चर ही ऐसा होता है। जो पुरानी हवेली देखेगा ना तो वो भी ऐसे ही है, जितनी भी पुरानी हवेली वगैरह दिखेंगे ना वो सब ऐसे। चलो 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 चलो, आर्किटेक्चर ही सुनिए। हाँ, इसके बाद ये वाली जो क्लिप्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारा खाने का सामान रखा है, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। ये हमारा होटल की तरफ से था बुफे ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर खाने पीने की ब्रेकफास्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी थी। टोस्ट थे, पूरी सब्जी, फ्रूट्स, जूस, चाय, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, और हेल्थ को लेकर जो कंसर्न रहते हैं उनके लिए हेल्दी ऑप्शन भी थे। और ये मेरी और महक हम दोनों की ब्रेकफास्ट की थाली है, तो सुबह ज़्यादा भूख होती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद निकल गए उदयपुर को फिर से एक्सप्लोर करने। तो आज हमारे प्लान में था सबसे पहले करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और रोपवे से वहाँ पर जाएंगे। और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है पैदल वाला रास्ता, ट्रैक करके अगर जाना हो। और इससे जस्ट आगे था एक और रास्ता जो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, जो जा रहा था रोपवे के टिकट काउंटर तक, लेकिन जब वहाँ पहुँचे वहाँ इतनी भीड़ थी, 3 घंटे का वेटिंग चल रहा था रोपवे में। देखो पहले हमें चलना है जग मंदिर। हाँ, जग मंदिर। इसके लिए पहले पूछ लेता हूँ मैं किसी से कहाँ जाना है, मुझे भी नहीं पता। ये बोट चल रही है यहाँ पे, इधर है होटल सिटी पैलेस। और ये क्या है, ये इसका नहीं पता ना क्या है, ये बिल्डिंग बीच में छोटा सा आइलैंड है। तो अभी फिलहाल हम लोग आए थे करणी माता के मंदिर और जग मंदिर, कई पॉइंट्स हम लोगों को कवर करने थे। बट आप मेरे पीछे ना भीड़ देखो, करणी माता के मंदिर का जो रोप वे है उसकी चल रही है 3 घंटे की वेटिंग। अगेन यहाँ पर जो सिटी पैलेस है, जग मंदिर है, तो यहाँ जाया जा सकता है बोट से, और बोट की भी चल रही है 2 से 2.5 घंटे की वेटिंग। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, वापस होटल जाएं या, क्योंकि किसी भी स्पॉट पर हम जा रहे हैं, कल सज्जनगढ़ आप लोगों ने देखा था कितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि रुकें या जाएं, क्योंकि 2 से 3 घंटे वेट करना, और सिंपल ये नहीं कि बैठकर वेट करना है, लाइन में लगना पड़ेगा किसी ना किसी एक को टिकट्स लेने के लिए। और भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अभी करते हैं कुछ प्लान और उसके बाद देखते हैं। यश का बहुत मन है कि वेट कर लो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिक्चर यहाँ से ले लें, पिक्चर ले लो, ठीक है। तो ये है जग मंदिर जो मैं आपको कह रही थी ना, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, यही है जग मंदिर। एंड इधर है सिटी पैलेस, दूर वाइट ये है सिटी पैलेस एंड ये है जग मंदिर। और यहाँ पर बोट चल रही है, फिर वही है कि बोटिंग में चल रहा है अभी वेटिंग, भीड़ देखिए आप लाइन में। हमारे पास आजाज का दिन था उदयपुर का, और जो भी देखना था आज ही हम लोग देख सकते थे, लेकिन आप लोगों के सामने हमारी सिचुएशन, क्योंकि अगर बाहर घूमने आए हैं तो इस तरीके से लाइन में लगना 2-2, 3-3 घंटे के लिए, और उसके बाद किसी एक स्पॉट को एक्सप्लोर करना, मुझे नहीं लगता इसमें समझदारी है। इसमें हम लोग खुद भी परेशान होते, हमारे बच्चे भी परेशान होते, तो हम लोगों ने यहाँ से निकलने में ही समझदारी समझी कि ठीक है, हमने पिचोला लेक देख लिया है, दूर से ही हमने
जग मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं, करणी माता मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और सिटी पैलेस को भी देख लिया है। एक्चुअली में हमें एक गुजराती फैमिली भी मिली, बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, गुजरात से आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सिटी पैलेस का तो और भी बुरा हाल है, टिकट लेके आप लोग इतना वेट करके वहाँ तक जाओगे और वहाँ पर कुछ भी ठीक से देख नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये है सामने करणी माता का मंदिर और जो ट्रॉली आ रही और जा रही है ये करणी माता का रोप वे है और हम लोगों ने यहीं से दर्शन कर लिए और यहाँ से हम लोग निकल तो गए थे वापसी के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था अभी इसी रोड पर हमें 1.5 से 2 घंटे और फंसे रहना था, क्योंकि जैसे ही यहाँ से आगे हम लोग चले इस रोड पर पूरा ट्रैफिक जैम लग गया था। ये बीच में जो है ये पिचोला लेक है और इसके चारों तरफ इस तरीके से एक रास्ता बनाया हुआ है, तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ तक लेकर के आ गए थे, तो आते टाइम तो हमारी गाड़ी आ गई थी और उसके बाद लग गया था ट्रैफिक जैम एक अच्छा खासा, तो हम लोगों की गाड़ी 1.5 से 2 घंटे के लिए यहीं पर फंस गई थी। तो हम लोग अच्छे से अपनी गाड़ी में बैठे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पर टाइम तो वेस्ट हुआ ना। आज हमें एक गिफ्ट लेना था किसी के लिए, तो उसके लिए हमें जाना था एक बेकरी शॉप। हम निकले तो बेकरी शॉप के लिए थे वहाँ पिचोला लेक से, लेकिन बीच में ही कपड़ों की एक दुकान दिखी, इसका जो कलेक्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने। बच्चों की ड्रेस दिखाओ मेरे को, तो वहाँ पे मेरे मतलब मन अटक गया। बच्चों की ड्रेस देखी ना, ये देखो जरा, छोटे छोटे बच्चों की, इसमें क्या है नीचे? ये शरारा पैंट है। अच्छा, शरारा पैंट है बच्चों की, बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेस है। मैं इनसे पूछ रही हूँ भैया से कि ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं है क्या? लेडीज कहते हैं साइज खत्म हो गया। अच्छा, साइज नहीं है हमारा। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस लगी हुई है। हाँ, गुजराती और राजस्थानी, काठियावाड़ी जैकेट है ये। हाँ, अच्छा लगा। ये कितने की है? ये 790। बहुत प्यारी है कलर। हाँ, कलर। अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं चौपाटी में, उदयपुर में। चौपाटी नाम की जो जगह है वहाँ आप देखिए, क्यों मैं आपको इसको चौपाटी का नाम दे रही हूँ, ये देखिए। तो फिलहाल आप देखेंगे, मैं आपको सच बताऊँ, कम से कम नहीं तो मेरे आसपास रोड के उस पार भी है, इधर मेरे पीछे भी है, कम से कम हजारों दुकानें होंगी जहाँ पर इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। और इधर का रोड मैं आगे का आपको दिखाती हूँ, शायद ही कोई ऐसे खाने का आइटम हो जो इन दुकानों पर ना मिलता हो। इतने मैनेज्ड तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, देखिए इस तरीके की छोटी छोटी स्टॉल्स लगाई हुई हैं और सब कुछ खाने पीने का सामान एकदम वाजिब दामों में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ना साउथ इंडियन मिलेगा, मुंबई की पाव भाजी, कचोरी चाट, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, छोले कुलचे, मसाला डोसा और चॉकलेट शेक्स हैं, रबड़ी, आइसक्रीम, फालूदा, रस भंडार यानी कि गन्ने का रस। मैंने देखा यहाँ पर ना गन्ने का रस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग शौकीन हैं। तो आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ, इस तरीके के रस भंडार ना बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप ना इधर से, मैं आपको थोड़ा उधर की ओर जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी इसी तरीके की रोड पर। और मैंने बताया ना, कम से कम हज़ारों दुकानें होंगी। मोमोज है, मोमोज देखिए, हम कम यश कम से कम हज़ारों दुकानें होंगी ऐसे अगर छोटे छोटे काउंट करें, सैकड़ों हैं, छोटे 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 ढेर सारे स्टॉल हैं। और मतलब क्या बताऊँ आपको, ये इधर भी उधर भी रोड के दोनों साइड हैं। तो अभी फिलहाल हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, शाम का टाइम है, हल्का फुल्का कुछ लेना है स्नैक्स टाइप में, तो क्या लें, तो अभी देखते हैं। जोनी की मम्मी से। अच्छा सर, ये है वो बेकरी शॉप जहाँ पर हमें आना था और ऑनलाइन ही इसका एड्रेस पता किया हम लोगों ने। ये वाला तो जो बास्केट हमें चाहिए थी, गिफ्ट हैम्पर हमें चाहिए था, वो हम लोगों ने पैक करा लिया था और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी सारी मिठाइयों की वैरायटी थी तो कौन क्या लेगा, तो थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों ने कहा टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर कहाँ लेते हुए घूमेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें निकलना था शिल्पग्राम के लिए। एक दिन चल जाएगा? 10 दिन, 10 दिन चलेगा ऊपर में ना। अभी हम लोग आए हुए हैं उदयपुर की एक स्वीट शॉप है बहुत ही अच्छी सी, जिसका नाम है सेलिब्रेशन, और एक फैमिली फ्रेंड है यहाँ पर ही उदयपुर में, तो उनसे हम लोग मिले थे। तो अभी उन्हीं के लिए एक हैम्पर है, वो पैकिंग करा रही है और बस अभी ये लेकर के हम, अभी हम कहाँ निकलेंगे यश इसके बाद? ये हम उन्हें कल देंगे, अभी से पैक करा के रख लेंगे। शिल्प
शिल्पग्राम, हाँ शिल्पग्राम एक जगह है, उसके बाद वहाँ पर हम लोग जाएंगे और ये भी हम पैक करा के रख लेंगे, उसके बाद कल उनको हम लोग देंगे। यहाँ से हम लोग पहुँच गए शिल्पग्राम। शिल्पग्राम मेन सिटी से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है और फिलहाल यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है। हर साल दिसंबर के लास्ट 10 दिन में यहाँ पर एक फेस्टिवल रहता है जिसकी एक टिकट होती है, तो टिकट लेकर हम लोगों ने एंटर किया। एंटर करते ही ऐसी वाइब्स आई जैसे हम लोग खड़े हैं ट्रेड फेयर में या फिर सूरजकुंड के मेले में, कुछ हद तक दिल्ली हाट जैसा भी लग रहा था। और थोड़ा आगे एक एम्फी थिएटर था जहाँ पर फोक डांस चल रहा था। एक तरीके का कल्चरल प्रोग्राम है जो कि पूरे 10 दिन चलता है शिल्पग्राम में, और अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं और ना जाने कितने महीनों पहले से वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, रिहर्सल्स करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, आधा पौना घंटा तो मैं यहीं पर बैठी रही और सच में बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है कितना वास्ट है। बाकी बहुत सारे स्टॉल्स जो लगे थे वहाँ पर, जो आर्टिसंस आए हुए थे वो भी देश के अलग अलग कोनों से आए हुए थे। कई लोगों से हम लोगों ने बात की ना, तो पता चला वो लोग सूरजकुंड में भी स्टॉल लगाते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि आने वाले दिनों में यानी फेब में फिर मिलते हैं जल्दी ही सूरजकुंड में। तो खाने पीने की हर तरीके की सुविधा थी और शॉपिंग करने वालों के लिए तो शिल्पग्राम एक पैराडाइज है। और इस तरीके के हट्स भी जगह जगह बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम ना गांव वाली फील आ रही थी। और शॉपिंग करने का मन तो बहुत था लेकिन सामान वापस कैसे लेकर के आते, ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर चुकी थी, सबके लिए गिफ्ट्स भी ले लिए थे, बट फिर थोड़ा सा तो ऐसे ही घूमते रहे, कुछ खाया पिया। लेकिन ना जब हम इस जूट वाले सेक्शन में पहुँचे ना, तो तब तो बिल्कुल लालच आ गया, रुका ही नहीं गया। और उसके बाद यहाँ से कुछ जूट के शॉपिंग बैग्स और कुछ हैंड बैग्स खरीदे मम्मी के लिए भी, औरों के लिए भी, सबके लिए यहाँ से लिए। कुछ मैंने पुष्कर जी से ले लिए थे और कुछ मैं आने वाले टाइम में जयपुर से लेने वाली थी। तो बस इस तरीके से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की। पता नहीं क्यों जूट का बना हो या लकड़ी का बना हो, मतलब कोई भी नेचुरल मटेरियल से बनी चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे, तो बहुत इच्छा थी यहाँ से और बहुत सारी चीज़ें लूँ। कुशन कवर थे जूट में, इतने सुंदर सुंदर मैट्स थे और कारपेट का बहुत अच्छा कलेक्शन था, लेकिन ले जाने में परेशानी होती इस वजह से किसी तरीके से अपने मन को कंट्रोल किया और बस सोचा अब आए हैं इस जगह पर तो इस जगह को अच्छे से देखते हैं, घूमते हैं, इन्जॉय करते हैं। और हाँ, जैसे कि बताया, ना चाहते हुए भी कुछ बैग्स ले लिए थे, बट कलेक्शन बहुत अच्छा था, रेट्स भी बहुत ही वाजिब दामों पे हमें मिल गए थे। ये मैं ना आपको होटल जा कर के दिखाऊंगी क्या क्या मैंने यहाँ से ख़रीदा, और अभी तो फटाफट से बस सारा सामान लिया। हम लोग लेट भी बहुत हो गए थे, क्यों, वैसे तो ये जो मेला है लगभग 10-11 बजे तक चलता ही रहता है, लेकिन हम लोग सुबह के निकले हुए थे, थकान भी हो ही गई थी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने यहाँ से ख़रीदा इस शॉप से। देखिए चेहरे पे मुस्कान ना अपने आप ही आ जाती है, कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ अगर ख़रीद लेना तो अपने आप ही जो चेहरा है ना वो खिलखिला उठता है। तो बस कुछ ऐसे ही शॉपिंग करते कराते हम लोग आगे बढ़ गए, और आगे ना बहुत ही अच्छा सा लकड़ी का सामान भी मुझे दिखा और बहुत ठीक से रेट थे, 100-200 रुपये में, इस तरीके से अलग अलग आइटम्स के अलग अलग रेट थे। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी। तो बस इस तरीके से आज का दिन ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।